पलासिया पुलिस को वोडाफोन कंपनी के अधिकारियों ने चोरी की शिकायत की थी कि उनके तांबे के तार किसी ने चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोर को गिरफ्तार कर तार बरामद कर लिया है। पलासिया थाना क्षेत्र के साकेत नगर में वोडाफोन कंपनी के तांबे के तार चोरी हो गए, जिसकी शिकायत कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस को की थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोर को पकड़कर तांबे के तार बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी के आधार पर 3 दर्जन से अधिक संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र जाधव बंगाली चौराहे का रहने वाला है। फिलहाल पकड़ाए चोर से अन्य चोरी के मामले में भी पूछताछ जारी है। आज शाम को वोडाफोन कंपनी के तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई। इनके द्वारा बताया गया है कि तांबे का तार कीमती करीब 60,000 रुपये का चोरी चला गया, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया गया है। तो सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और तत्काल मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसी फुटेज देखी गई। सीसी फुटेज में एक कैमरे में जो है संदिग्ध का फोटो दिखाई दिया। उस संदिग्ध के फोटो के आधार पर आरोपी महेंद्र जाधव निवासी बंगाली चौराहा को पुलिस अभिरीक्षा में लिया गया। पूछताछ करने पर पहले तो उसने जुर्म से इनकार किया, किंतु जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए और बताया गया कि आपका क्या मिलान करता, तब वो टूट गया और उसके बाद उसने जो घटना को स्वीकार किया और आरोपी के पास से चोरी का तार, तांबे का तार जो लगभग 60,000 रुपये का है बरामद किया गया है। इसके अलावा काटने का जो उपकरण उसे भी बरामद किया गया। सर, और भी कोई इस तरह के अपराध है इसको पूर्व में आप? इस तरह की और भी वारदातें आसपास के थाना क्षेत्र में हुई है, उस संबंध में इनसे पूछताछ की है।